ठाकरे सरकार, पालक मंत्री, जिलाधिकारी पाषाणी शहर को निस्त नापूत होते देखना चाहते हैं क्या? उपचार नहीं मिलने से कोरोना संक्रमित लोगों की हो रही है मौत। रोजाना मर रहे कोरोना संक्रमित, फिर भी नहीं किए जा रहे उपाय। नहीं किया गया कोविड सेंटर का निर्माण। पालक मंत्री द्वारा नहीं किया गया कोरोना संक्रमित के लिए कोविड सेंटर का निर्माण। नहीं दे रहे पाषाणी शहर की ओर ध्यान। लगातार शहर में कोरोना की वजह से लोगों के मरने का सिलसिला जारी होते हुए भी यहां पर किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमितों के लिए उपाय योजना करने में प्रशासन नाकाम होते दिखाई दे रही है। रोजाना कोरोना संक्रमित शहर में मरने की वजह से लोगों में डर पनपता जा रहा है। यहां जहां पर कोरोना मरीजों के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने से नागपुर भेजा जाता है, पर वहां पर भी निजी अस्पताल के साथ सरकारी अस्पताल में भी यहां के कोरोना मरीजों को जगह नहीं मिलने से उन पर मौत का साया लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर में लगातार कोरोना की वजह से मौतें हुए भी प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था न किए जाने से कोरोना संक्रमित लोग मरे हैं। वहीं जिलाधिकारी द्वारा पाषाणी शहर कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था समय रहते नहीं किए जाने से इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो गई है। जबकि इतनी बड़ी महामारी शहर में फैलने से लगातार मौत होने के बावजूद जिलाधिकारी द्वारा यहां पर कोविड सेंटर का निर्माण करना और आवश्यक होते हुए भी यहां पर कोरोना संक्रमित के लिए व्यवस्था निर्माण नहीं करना, ये दर्शाता है कि लोगों को मरने के बाद यहां पर व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा क्या। जबकि सानेर, रामटेक, काटोल, हिंगना और भी शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहां पर पहले से ही कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां कोरोना संक्रमितों मरीजों पर इलाज किया जा रहा है। वहीं पाषाणी शहर और ग्रामीण भागों में लगातार बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित रुग्ण रोजाना सामने आ रहे हैं। वहीं उचित इलाज नहीं होने से उनकी मौतें हो रही है, फिर भी प्रशासन यहां पर कोरोना संक्रमितों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में नाकाम साबित होने से यहां पर मौतें होने का सिलसिला लगातार जारी है। यह महाराष्ट्र शासन और प्रशासन के अनदेखी का नतीजा है कि शहर के लोग अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। इसलिए समय रहते यहां पर तुरंत कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड सेंटर का निर्माण जिलाधिकारी द्वारा किया जाए, इस तरह की मांग नगर वासियों द्वारा की जा रही है। पालक मंत्री, खासदार, आमदार होते हुए भी शहर की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर समय रहते कोविड सेंटर शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना सेंटर शुरू नहीं किया गया, जो इलाज नहीं होने से यहाँ पर कोरोना बीमारी से मौतें लगातार हो रही है। इतनी बड़ी आपदा शहर में होते हुए भी उचित उपाय करना और लोगों की जान बचाना यह प्रथम कर्तव्य होते हुए भी शहर में समय रहते ध्यान नहीं देने की वजह से आज शहर पर मौत मंडरा रही है। जबकि पालक मंत्री, आमदार, खासदार को यह पहले से ही ध्यान देना जरूरी था, जो आज यहाँ पर इस तरह की मुसीबत नहीं होती। प्रशिक्षणार्थी, डॉक्टर, नर्सेस, ANM, MBBS, BMS और भी वैद्यकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों का इस आपदा में मदद दी जा सकती है, जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जीवनदायी हो सकता है। शहर में तुरंत प्रशासन की ओर से कोविड सेंटर का निर्माण किया जाना जरूरी है, जहां अति गंभीर मरीजों को राहत मिल सके। वहीं यहां पर सभी सुविधायुक्त कोविड सेंटर का निर्माण किया जाना कोरोना मरीजों के लिए आवश्यक है। नागपुर और निजी अस्पताल में जगह नहीं होने से यहां पर कोरोना मरीजों पर उचित इलाज मुहैया कराया जा सकता है। पाषाणी शहरामध्ये मागील महिन्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव एवढ्या प्रमाणात वाढला, त्यामुळे प्रत्येक घरी कोरोनाचे संक्रमित रुग्ण मिटू लागले, त्यामुळे त्यांच्या जीवाची सुरक्षा होऊ शकली नाही। या पाषाणीमध्ये कुठल्याच प्रकारची व्यवस्था नसल्याने त्यांना नागपूरला रेफर करतात, पण रेफर करताना जेव्हा नागपूरला इथून पेशंट जातो तेव्हा त्याला बेड नसल्याने, ऑक्सिजन नसल्याने परत पडण्यात येते, त्यामुळे येथील कोरोना रुग्णांचे हाल बेहाल झाले आहे। त्यासाठी पाषाणीमध्ये अनेक दिवसापासून मागणी होती की इथं कोविड सेंटर झालं पाहिजे आणि तिथे कोरोना रुग्णांना उपचार झाले पाहिजे, इथे वैद्यकीय सेवा मिळाली पाहिजे, यासाठी अनेक नागरिकांनी मागणी केली होती, पण तरीही वेळेवर इथे कोरोना सेंटर उघडू शकले नाही, त्यामुळे लोकांचे मरण हे जेवढे येऊन गेले आहे। आपण पाहू शकता इथे एवढे मोठे हॉस्टेल आहे, या हॉस्टेलमध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये रूम्स आहेत, पंखे आहेत, लाईटिंग सुविधा आहे, सर्व सुविधायुक्त असं हे हॉस्टेल आहे, तरीही इथे कोविड सेंटर सुरू करता आलं असतं, लोकांचे प्राण वाचवता आलं असते, तरीही शासनाने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गोष्टी दखल न घेतल्यामुळे आठ पाषाणीतील कोरोना संक्रमित ऑक्सिजनमुळे म्हणा किंवा उपचारामुळे म्हणा मरत आहेत। त्यासाठी हे जे हॉस्टेल आहे, हे हॉस्टेल तातडीने येथील आमदारांनी, खासदारांनी
किंवा मंत्री मोदी तातडीने सुरू करावे, इथे कोविड सेंटर सुरू झाल्यास लोकांचे प्राण वाचू शकतात, कोरोना संक्रमितांना उपचार मिळू शकतो आणि आरोग्य सुविधा इथे उपलब्ध केली तर तातडीने इथे कोरोना रुग्णांना भरती करता येते आणि भरती करून त्याचे उपचार तात्पुरता उपचारही करता येईल अशी इथे अपेक्षा आहे. मी रुपेश खंडारे, बी सी एन न्यूजसाठी, पारशिवनी.